टूटी चप्पल लटका दीजिए इस जगह। आपके घर से नेगेटिविटी तो रिमूव होगी, लेकिन धन का अभाव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। धन ही धन आपके घर में बहाने मार मार के आने लगेगा। ऐसी व्यवस्था आज करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आई होप आप सब खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके लिए यही होती है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, यूं ही खुशहाल जीवन बसर करते रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपको बहुत लाभान्वित करने वाला है और आपकी हर परेशानी मिट जाएगी, तमाम परेशानी मिट जाएगी इस उपाय को करने मात्र से। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ, और लाइक भी करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री, ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे आपको। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है तो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपको लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए इस कड़ी में आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आपको लेनी है एक टूटी चप्पल, वो पुरानी भी चलेगी, और टूटी चप्पल एक ही लेनी है, दूसरी चप्पल को आपको डिस्ट्रॉय कर देना है, फेंक देना है। एक चप्पल ही आपको लेनी है, टूटी चप्पल होनी चाहिए और काले रंग की हो तो बेहतर है। तो इस टूटी चप्पल को एक नाड़े के सहारे या डोरी के सहारे, प्लास्टिक की डोरी नहीं होनी चाहिए, नाड़ा हो या सूती कपड़ा हो, और सूती कपड़े की लेस भी हो सकती है और ऊनी भी आप ले सकते हैं, ऊनी होना ज़रूरी है या सूती होना ज़रूरी है। उससे आप एक चप्पल को लटका दीजिए, अपने मुख्य द्वार से दिखती हुई होनी चाहिए। मुख्य द्वार वो नहीं हो, मतलब छत के सहारे भी, जहाँ आप टायर लगाते हैं या मुखौटा लगाते हैं या खाली बोतल लटकाते हैं, वहाँ आप टूटी चप्पल लटका सकते हैं। और टूटी चप्पल लटकाने के बाद मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके इष्ट देव हैं या भगवान हैं, कुल देवी देवता हैं, या जिन में भी आपकी आस्था है, उनका स्मरण करें आंखें बंद करके, और अपनी तमाम मुसीबतों को दूर करने की प्रार्थना उनसे करें। और थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि चप्पल आपने लटका दी, उसके बाद से ही सुखद परिवर्तन आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके हर दुख मिट जाएंगे, हर तकलीफ आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और धन का अभाव तो कोसों दूर आपसे हो जाएगा। मतलब ये निकला कि पैसा ही पैसा आपके जीवन में बहाने मार मार के आने लगेगा, धन का फ्लो कभी रुकेगा नहीं। जब भी आपको अचानक धन की ज़रूरत हो तो टूटी चप्पल के सामने 2 मिनट का ये प्रे करें, टूटी चप्पल से प्रार्थना करें। टूटी चप्पल नेगेटिविटी को तो क्रिएट करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, लेकिन शनि का स्वरूप भी पुरानी चीज़ें होती हैं, और तो टूटी फूटी चीज़ें भी शनि का स्वरूप होती हैं। जो हमारे घर का कबाड़ा होता है वो भी शनि का स्वरूप होता है। तो शनि हर दुर्दिन दिखाने में मदद करता है, और आपको दुर्दिन नहीं देखना पड़े इसके लिए टूटी चप्पल के समक्ष आपको प्रार्थना करनी है मानसिक रूप से। किसी भी, जब भगवान में आपकी आस्था है, उसको देखकर आप प्रार्थना करें या इमेजिनेशन करें कि आपकी हर समस्या टूटी चप्पल ने मिटा दी है। तो टूटी चप्पल आपकी व्यथा को दूर कर सकती है, आपकी पीड़ा को दूर कर सकती है। टूटी चप्पल में बहुत शक्ति होती है, भले ही टूटी चप्पल खुद में समर्थ नहीं होती, लेकिन टूटी चप्पल मनुष्यों के दुखों को दूर करती है। तो ये फार्मूला आप अपना के देखिए, इससे आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ होगा, धन का लाभ तो होगा ही। कुल मिला के कष्ट आपके जीवन से मिट जाएंगे, बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी, दुर्दिन आपके जीवन से चले जाएंगे, और आपको सुख ही सुख भोगने का अवसर ये चप्पल देगी। तो ये प्रयोग करके देखिए, इस प्रयोग से आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।